Now I am going to read this same passage in English. I am going to read 1 John chapter 1 verses 5 to 10. God is light. This is the message. We have heard from him and proclaim to you that God is light and in him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him while we are walking in darkness, we lie and do not do what is true. But if we walk in the light, as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he who is faithful and just will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Amen. Let's pray for the word of God. Dear God, I pray for the message today. I pray that you open our ears and our hearts to hear your word. I pray for Mr. Ardell so that the words that he speaks are the ones that you want to be spoken, and and the words that we hear are the ones that you want us to hear. I pray that through weak human words, you give us the grace to hear your true and living word. Amen. Um, the microphone is off. Do you need a minute? No, I'm going to ready. announce it to you. No, no, it's okay, okay opening. अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिस्टर आदल को के वो प्लीज हमारे लिए खुद का कलम खोलेंटर थैंक यूल थैंक यू वेरी मच और मसी में आप सबकी सलामती हूँ आज बारी तो मैं थी लेकिन एक तो लाइट्स की हैं उनके प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे इंटरनेट के प्रॉब्लम्स हैं चल रहे हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर सकी और इसके अलावा उनकी तबीयत भी उन्होंने कहा कि ठीक नहीं है तो हम उस उन्होंने दरख्वास्त भी की है कि हम उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें जो भी सीजनल है वहाँ पर उसकी वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज़ आप ज़रूर जब दुआ हो तो जरूर इस इस आ, रिक्वेस्ट को भी जरूर उसको दुआ में रखें आ, हाँ जी जी मेरा ऐजीज़ो आज हमने देखा कि पहला जुना का पहले ख़त पहले बाप के पाँच से दस आयात तक जो हमने जो देखा उसमें जो ख़ास आयत है उसमें जो हम जिसपे हम आज गौर करना चाहते हैं मिलके सीखेंगे वो है नाइन्थ और वो यूं है कि अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है इकरार और pardon बड़ा ज़रूरी है और मैं ज़रूर आपको चंद हमें मैं दूंगा कि आप ज़रूर अपने अपने दिलों में ये रिकॉल करें कि आपने लास्ट टाइम कब इकरार किया था इकरार सिर्फ अमीन गुनाहों का नहीं कोई भी इकरार कोई भी आपने कोई भी ऐसा इकरार किया कोई अच्छे पॉजिटिव भी इकरार हो सकता है अगर वो किया हो तो ज़रूर आप याद करें वो हाँ जी जरूर आपने याद किया होगा और जबकि मैंने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि हम गुनाहों का इकरार ही करें ये और दूसरे और भी बहुत सारे इकरार हैं एक साथ रहते हुए एक फैमिली के अंदर रहते हुए हम बहुत सारे इकरार हम हम अक्सर करते हैं और करने भी चाहिए अगर नहीं करते तो करने भी चाहिए भाई बहनों का एक दूसरे के साथ इकरार जरूरी है कि यू आर माई एल्डर ब्रदर यू आर माई एल्डर सिस्टर आई लव यू मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं रखती हूं एंड uh, भी बीवी एक दूसरे से इकरार कर सकते हैं इस बात का uh, दोस्त एक दूसरे से इकरार कर सकते हैं काम करने वाले एक दूसरे से इकरार कर सकते हैं इस बात का कि हम एक दूसरे की केयर करते हैं We always look after you. I always look after you. और ये बड़ा पॉजिटिव मैं समझा जाता है कि ये ये बड़ा पॉजिटिव इकरार है लेकिन इसके साथ नेगेटिव भी या एक पार्डन की सेंस में जब हम कहते हैं इकरार करते हैं तो वो भी बड़ा जरूरी है नेगेटिव भी इकरार है जैसे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव में तो ये नहीं बल्कि वो भी पॉजिटिव ही है कि जब हम किसी को कहते हैं कि हम आई एम वेरी सॉरी कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सका बेटा आई एम वेरी सॉरी कि आज मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सका मेरी छुट्टी थी आज सारा दिन आई कैन नॉट सिट विद यू एंड कैन नॉट टॉक टू यू आप अपनी वाइफ से कह सकते हैं अपनी बेटी से कह सकते हैं और इसी तरह वाइस वर्सा हम एक दूसरे को कह भी सकते हैं ये चीज और वेस्टर्न कल्चर के अंदर तो ये बड़ा रुझान पाया जाता है कि जो तो थ्री गोल्डन वर्ड्स हम उसके ऊपर बहुत जोर देते हैं और वो हैं एक्सक्यूज मी एंड प्लीज एंड सॉरी और इस बात पे जब मैं यहाँ पे नया नया आया था तो काफ़ी मुझे इस इन बातों के ऊपर काफ़ी मुझे मार पड़ी थी <laughs> और मार इस सेंस के अंदर पड़ी थी कि एक्सक्यूज करने कोई भी चीज़ अगर लेनी है तो एक्सक्यूज करने की आदत नहीं थी कुछ कर लें तो सॉरी करने की आदत नहीं थी या कुछ चीज़ मांगनी है तो प्लीज़ कहने की आदत नहीं थी लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो ये चीजें फिर आ गई ये जिंदगी का हिस्सा बल्कि बन गए और अभी किसी को बल्कि थैंक यू भी इसके अंदर है और अब अगर हम अब अब जब बात करते हैं किसी से अपने दोस्तों से जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर दोस्त हैं या किसी भी मुल्क के अंदर हैं और अगर हम उनको प्लीज कह दें या थैंक यू कह दें तो वो उनको बड़ा अजीब लगता है वो कहते हैं ये थैंक यू करने की जरूरत नहीं है आपको प्लीज कहने की जरूरत नहीं है आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है लेकिन मेरे अजीजों ये बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी हैं वो अपने आप को खास तौर पर यूनाइटेड किंगडम और वो आपको बड़ा सिविलाइज नेशन के तौर पे पेश करता है और वो कहता है वो क्लेम करते हैं इस बात का कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा सिविलाइज हैं दिल कैसे भी हों इनके लेकिन जब बात करेंगे तो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ थैंक यू एंड सॉरी ज़रूर कहेंगे और मेरे अजीजों इसमें भी करार वाली बातें हैं ये मसीही एटीट्यूड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सब मसीहों के लिए भी और गैर मसीहों के लिए भी वैसे दोनों के लिए बड़ा जरूरी है करार तो होता है अभी ये दो शादियां हुई हैं इस हफ्ते के अंदर और जरूर वहां पे जब शादी होती है तो और दुल्हन करार करते हैं एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए वो पब्लिकली इस बात को वो वो अनाउंस करते हैं वो 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 एक्सेप्ट करते हैं उस बात का इकरार करते हैं और गवाह होते हैं उसमें कि हाँ इन्होंने इकरार किया था हाँ अब देखें जो प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं प्रेसिडेंट्स बनते हैं वो भी इकरार करते हैं कि हम अपने मुल्क की खिदमत इसी तरह ही करेंगे पूरी दिल से पूरी जान से हम करेंगे और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब प्रेसिडेंट ओबामा जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो वो उनको दो इकरार करने पड़े थे दो दफा उनको ओथ करना पड़ा था वो क्यों इसलिए कि जब पहली दफा उन्होंने किया था तो वो देर वाज समथिंग रॉन्ग वो सही से कर नहीं पाए थे वो ठीक से वो पीछे बोल नहीं सके थे जो कि जो कि उनको करना चाहिए था लेकिन उन्होंने इस बिकॉज इट वॉज उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा यूएसए के ऊपर यूएसए की बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है तौर तो पर एड पे तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपको ठीक तरीके थी से इकरार करना पड़ेगा फिर उनको इकरार करना पड़ा था और इसी तरह हम चर्च में भी देखते हैं मेरे ऑर्डिनेशन होती हैं उसमें इकरार करना पड़ता है बैप्टिजम होता है उसमें हमें इकरार करना पड़ता है कन्फर्मेश होती हैं और इवन के होली कम्यूनियन तो एवरी संडे को और फिर मिड वीक में भी होती है और उसमें इकरार करते हैं हम डिक्लेयर करते हैं बड़ा लाजमी है हम रोज इबादत के अंदर देखे अपना क्रीड जब कहते हैं ईमान का इकरार करते हैं तो वो 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 इस बात को के, को हमें बताता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम रोज अपने गुनाहों का इकरार करें और रोज अपने आप को कहें कि जो भूल चुके गुनाह हैं खुदावंद हमारे वो मुआफ कर और बहुत सारी और भी बातें हैं जिनका हम इकरार करते हैं क्यों इकरार करना क्यों जरूरी है बिकॉज देर इज अ पावर इन दर्ड्स मिसाल अठारह बाप की बीस और किसी आय किसवीं आयत में लिखा है कि आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से शेर होता है और फिर आयत में है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं आई मीन घर में या काम की जगह पे या आपके मोहल्ले में अगर किसी के साथ चल रही है तो बन नहीं रही है आपकी और कोई प्रॉब्लम हुआ हुआ है तो जब तक आप उससे सुलह नहीं करते हैं हाय हेलो नहीं करते हैं उसके साथ अपने रिश्तों रिश्ते को दोबारा से रिकनेक्ट नहीं करते हैं तो देर इज अ टेंशन देर इज अ प्रॉब्लम और वही प्रॉब्लम कभी कभी हमें ब्लड प्रेशर जैसे और स्ट्रेस और डिप्रेशन और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों का वो की वजह बन सकता है हर मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है कलाम की बात है कलाम की बात है ये मेरे अजीजों के क्योंकि कलाम हमें यही सिखाता है और हम जितने भी यहां पर आज सब हैं और इसके बाद जो आज तो नहीं है लेकिन जो बाद के भी है जो कल जो अटेंड करेंगे मैं उन सब के लिए पैगाम के हम सिर्फ लफ्जों के खादम नहीं हैं हमने सिर्फ मुंह से एक्सक्यूज सॉरी थैंक यू नहीं करना है क्योंकि हमारा कलाम हमें ये बताता है कि हम नए अहद के खादम हैं दूसरा क्रंथियो तीसरा बाब चार से छः आयत तक में लिखा हुआ है कि हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं और नामी में लिखा है ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रू के क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रू जिंदा करती है दैट इज होली स्पिरिट जो कि जिंदा करती है मुंह से तो दिल से बगैर कहीं भी तो लोग कहते ही हैं दुनिया के मगर जो हम वी द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट हम सिर्फ मुंह से ही नहीं बल्कि दिल से इकरार करते हैं हर बात का इकरार करते हैं हर बात का ही इकरार करते हैं जब इकरार करते हैं तो हम हम क्या कर हम क्या बता क्या रहे होते हैं कि अगर हम खुदा के सामने इकरार करते हैं या आप किसी भी रिश्ते में जो हमारे से बड़ा है अगर हम उसके होने का जैसे हमारा हम पेरेंट्स हैं हम जब उसके सामने जब हम इकरार करते हैं कि हमें माफ कर दें या सॉरी या थैंक यू हम हम आपको प्यार करते हैं यू आर माय फादर यू आर माय मदर तो हम अपने आप को उसका सब बनाते हैं हम उसको हम उसकी मलकियत बन जाते हैं और हम इस बात पर मोहर करते हैं कि मैं मखसूस हूं इस बात के लिए कि एम योर सन आई एम योर मैं तेरा हूं जब ख़ुदामत के सामने इकरार करते हैं तो इस बात को हम बयान करते हैं मुंह से और दिल से भी कहते हैं कि आई एम कॉन्सक्रेटेड इन दैट रिलेशन जी मेरे अजीजो अच्छा जब हम अपने दोस्तों से इकरार करते हैं भाइयों बहनों से इकरार करते हैं तो हमारा म्यार वो हम उसके मैार के ऊपर आ जाते हैं उनके लेवल पे आ जाते हैं और वो लेवल बराबरी का लेवल है हम ये नहीं कि हम आई एम वेरी बिग मैन नो यू आर माई सब ऑर्डिनेट या मैं मालिक हूं या, या तुम मेरे खादम हो ये तकबर वाली बात फिर नहीं रहती है प्राउडनेस नहीं रहती है मेरे जीजो और ये वेरी इंपॉर्टेंट दुनिया में रहते हुए एक खानदान में रहते हुए एक कलीसिया में रहते हुए एक माशरे में रहते हुए जिसके अंदर जॉब्स भी हैं जरूरी है कि जो जहां पर है उसके होने का इकरार किया जाए जी मेरे अजीजो और हम खुदाबंद के सामने भी इस बात का इकरार हमें करना चाहिए और दिल से करना चाहिए दिल से करना चाहिए जैसा कि मुकदस जुना की जील बाप उसकी सिटमी आयत में लिखा है कि जिंदा करने वाली तो रूह है जिसम से कुछ फायदा नहीं जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है और ये ही बातें हमें जिंदगी देती हैं जब हम दिल से इकरार करते हैं मुंह से भी और दिल से भी तो यही बातें हमें जिंदगी देती है मेरे जीजो और ये बातें खुदावंद के कलाम के अंदर लिखी हुई हैं खुदा की बातें खुदा के कलाम में लिखी हुई हैं जो कि रू की बातें हैं और वो हमें जिंदगी देती हैं जी मेरे अजीजो हमें रू जिंदा करती है रू जिंदा पहले भी हम मिल सीख चुके कि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो आ, आ, सिर्फ यही नहीं है कि बड़ी अच्छी जिंदगी इस दुनिया के अंदर गुजारें और उसके बाद खत्म हो जाए मर जाए और बस डेट्स इट बल्कि हमारी डेस्टिनेशन इज इटर्नल लाइफ विद जीसस क्राइस्ट ये है हमारी हमेशा की जिंदगी हमारी डेस्टिनेशन है और वो देने वाला पाकू ही है वो जिंदगी इटर्नल लाइफ जो है वो पाक रूह के वसीले से ही है वो उसी ने जिंदा करना है हमें किसी जरूरी है किस बात का इकरार करते रहना कि जो हमारे 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 आ, अकीदे में है जो जो हमारे क्रीड में है जो पाखरू के ऊपर खुदा बाप के ऊपर खुदा बेटे के ऊपर ईमान है इसका इकरार सिर्फ मुंह से ही नहीं बल्कि दिल से दिल से करते रहना क्योंकि ये सब रहने वाले हैं खुदा बाप बेटा पाखरू हमेशा से हैं और हमेशा तक रहने वाले हैं और जब तक हम इनका इकरार नहीं करते वी 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 एक्सेप्ट देम तो फिर मेरे जीजो, हम इनके अंदर मर्ज होते हैं आजकल तो खर बड़े प्रॉब्लम इस तरह के चल रहे हैं आजकल के जो माहौल चल रहा है कि इतनी देर तक बिजनेसेस बंद हैं कि छोटी छोटी कंपनियां तो वैसे ही बंद हो गई हैं और जो बड़ी समझदार कंपनियां थी उन्होंने बड़ी कंपनियों को ज्वाइन कर लिया है और उसका यह फायदा हुआ है बड़ी कंपनियों को ज्वाइन करने में वो बड़ी कंपनियों में मर्ज हो गई हैं ताकि वो एग्जिस्ट करते रहें वो खत्म ना हो जाए मेरे अजीजो बिल्कुल इसी तरह जब तक हम मर्ज नहीं होते हैं खुदाबंद में जब तक हम उसके अंदर जम नहीं होते हैं के अंदर जाते नहीं है तुम तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हमेशा की जिंदगी हमें नहीं मिल सकती है जरूरी है कि अगर हम इटर्नल लाइफ लेना चाहते हैं तो जो हमेशा कायम रहने वाले हैं हम उनके अंदर मर्ज हों जी मेरे जीजो मेरे पास यहां पर कुछ स्टेप्स हैं मर्ज होने के खुदामंद के साथ मर्ज हम कैसे हो सकते हैं क्योंकि आवर डेस्टिनेशन इज इज ज एटर्नल लाइफ और सबसे पहला जो स्टेप है वो है एडमिट योर सेंस टू गॉड खुदा के साथ रहने के ये सारे स्टेप्स हैं कि अपने गुनाहों का इकरार जैसे कि मुकदसना पहले खत में लिखता है और वो ये कहता है नामी आयत के अंदर लिखता है कि अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच और आदिल है मर्ज होने के लिए जरूरी है पाक साफ होना जरूरी है तो ही हम मर्ज हो सकते हैं अपने आप को सिनर मानना जरूरी है किरार करना जरूरी है और उसको मुकद्दस मानना जरूरी है बेहतर तौर पर जानना ये जब तक हम उसको बेहतर तौर पर जब तक हम इकरार नहीं करते हैं और जब तक हम भी साफ सुथरे नहीं होते हम उसको जान भी नहीं सकते क्यों क्यों करते रहे इकरार इसलिए कि हम भेड़ों की मानद भटक जाते हैं वी आर लाइक अ क्योंकि हमारी हमारी नेचर भेड़ों से मिलती है और हम भटक जाते हैं हम भटकने वाले हैं ये बताने के लिए जरूरी है ये इकरार बताने के लिए बड़ा जरूरी है कि वी गॉड वी है बिलोंग्स टू यू नॉट आइडल्स मेरी कोई और कंपनी नहीं है मेरा कोई और मेरा कोई प्लान या प्रोग्राम नहीं है बल्कि जो तेरे प्रोग्राम है जो तेरी टू तो बी इन योर कंपनी ताकि मैं एग्जिस्ट करता रहूं, ताकि मैं एग्जिस्ट करता रहूं, और फिर दूसरा स्टेप ये है कि आस्क फॉर फो गॉड्स फॉरगिवनेस, उससे मुआफी मांगे किस बात की मुआफी मांगे उन सब बातों की जो हमने उसके कलाम के खिलाफ या उसके हुक्मों के खिलाफ करते रहे हैं टेन कमांडमेंट्स और उसके बाद फिर नए अहद के नामे के भी हुक्म हैं जिनको हम तोड़ते रहते हैं कभी हम इग्नोरेंस uh, का हम सिन करते रहते हैं कभी हम निग्लेक्ट करने का सिन करते रहते हैं uh, कभी हम अब्यूज बहुत सारे अब्यूज हैं वो हम करते रहते हैं वो हमसे होते रहते हैं और कभी हम एक दूसरे को हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं जैसा खुदाम चाहता है वैसा प्यार हम नहीं करते हैं तो ये सारे ही जितने भी हुक्म हैं वो हम कभी ना कभी दिन में हफ्ते में महीने में उसको तोड़ते रहते हैं इट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क फॉर मर्सी फॉर इस बात को रियलाइज करने की जरूरत है कि हमने उसके हुक्म को तोड़ा है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम करते तो रहते हैं लेकिन हम मानते नहीं कहते नहीं नहीं वो मैं नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता इस तरह कभी ना कभी हम से ये होता रहता है हम भटक जाते हैं भटकते रहते हैं और हम उसकी मर्जी पर नहीं उसके हुक्म है उसकी मर्जी पर चलने के लिए लेकिन जब हम अपनी मर्जी पर चलना शुरू कर देते हैं तो ये भी ये भी गुनाह है ये फॉरगिवनेस बड़ा जरूरी है कि हम फोगिवनेस हमें तो सिर्फ माफी तो मांगनी है हमें कौन सी कोई कुर्बानी चढ़ानी है क्योंकि उसकी तो जरूरत ही नहीं है वेरी सिंपल थिंग इज वी हैव टू फ्रॉम कि सॉरी गॉड मुझसे ये हो गया मुझसे बहुत सारी बातें ये 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 बातें मुझसे हुई जिनको मैं जानता हूं और बहुत सारी और बातें जिनको मैं जानता भी नहीं हूं वो भी मुझसे हुई मुझे उ, 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 उनको भी उनकी भी माफी मुझे दे दे बात ही बड़ी आसान होगी हमें तो कुर्बानी देने की जरूरत ही नहीं है सिर्फ मुंह से इकरार करने की और माफी मांगने की जरूरत है जी मेराज और जब हम ऐसा करते हैं तो देन वी आर बिकम आ न्यू ह्यूमन दूसरा ग्रंथियों के पांचवें बाप की सत्रवीं आयत में इसलिए अगर कोई में है तो वो नया मखलूक है वो फिर हमें एक नया आदमी एक नया मखलूक बना देता है। पहले गुना करने वाला मखलूक नहीं बल्कि एक नई क्रिएशन बना देता है वो। वो हमें वो हमें पुरानी चीज़ें जाती देखो नई न्यू एंड क्लीन एंड एक्सेप्टेड टू गॉड ऐसा हो जाता है जो कि कबूल के लायक हो जी मेरे रजीजो और तीसरा स्टेप है कि बार बार तो ये बात तो वैसे भी ठीक नहीं लगती है कि बार बार हम गुनाह करें बार बार माफी मांगते रहें एंड बेटर टू सिट एंड गॉड कि मुझे कहाँ पे तब्दीली की जरूरत है मैं कहां पे तब्दील हूं मैं कहां पे अपने आप को तब्दील करूं दिस इज नॉट अ गुड एटीट्यूड कि हर दफा ही हम गलती करें और कहें कहे चलो कोई गल नहीं यार बस है उसने तो माफी दे ही देनी है हमें जरूरी है जरूरी है कि हम हर दफा हर दफा गलती करके माफी मत मांगें बल्कि उस एटीट्यूड को ही चेंज करें चेंज एक एक, एक अपने अंदर तब्दीली लेकर आए ताकि बार 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 हम उसके सामने शर्मिंदा ना होकर जाएं बल्कि उसके सामने जाएं तो शुक्रगुजारी के साथ जाएं कि हाँ है खुदा बाप आज मैंने इग्नोरेंस के कि किस सिन से मैं आज बचा हूं मैंने वक्त दिया है मैंने किसी को अब्यूज नहीं किया है मैंने किसी को निगलेक्ट नहीं किया है शुक्रगुजारी के साथ जाए बजाय इसके कि शर्मिंदगी के साथ जाए बेटर यह है कि हम शुक्रगुजारी के साथ उसके हजूर में जाए और फिर मेरे जीजो, जितनी भी बेचैनी है वो जाती रहेगी जितनी भी हम देखते हैं आमतौर पर फिजिकली साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअल जितनी भी बेचैनी है वो जाती रहेगी तब्दीली आएगी डेफिनेटली आएगी। नाइन की ट्वेंटी एंड ट्वेंटी में लिखा क्या है खुदा तू मेरे दिल को जांच और पहचान मुझे आजमा और मेरे दिल के ख्यालों को जान ले और देख के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं और मुझको अब दी राम ले चल स्किंग टू गॉड कि उसको अब दी में ले चल हालांकि वो इज इज़ इज़ क्वाइट नियर टू गॉड वो खिदमत गुजार है कौम का खिदमत गुजार है वो खुदामंद का खिदमत गुजार है फिर भी वो ये कहता है कि मुझको अब दी में ले चल जी मेरे अजीज और फिर जब ये हो जाए तो और एक स्टेप कि उसकी उसकी ग्रेस को उसकी फॉरगिवनेस को एक्सेप्ट करें मेहरबानी मेहरबानी क्योंकि को जो माफ़ी की मेहरबानी है उसको कबूल करें और उसके सलीब ए, के पे जितने भी काम उसके हुए उसको एक्सेप्ट करें कि वो मुआफ़ी थी जो तूने हमें दी इस बात का इकरार करें उसकी मोहब्बत का इकरार करें उसको कबूल करें और तसली पाएँ शक ना फिर करें इस बात पे के ऊपर जब दिल से इकरार किया है और ये जाना है कि मैं गुना गुनहगार हूँ और गुनाह मैं करता रहता हूँ और मुझे तो माफ़ी दे और फिर इसके बाद मेरे जीजो तब्दीली भी आप हम ले आए अपनी ज़िंदगी के अंदर तो फिर उसकी ग्रेस को कबूल करें और तसली पाएँ क्यों इसलिए साम हंड्रेड एंड थ्री की एट टू ट्वेल्व में लिखा है कि खुदा रहीम और करीम है कहर करने में धीमा शफकत में गनी है और फिर वो क्या करता है बारहवीं आयत में लिखा है कि जैसे पूरे पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी मेरे जीजो तब ही री होगी तब ही हम उसमें मर्ज हो सकेंगे तब ही हम उसमें सुकून पा सकेंगे आज बहुत सारे आजकल बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स हैं इवन के ये तो हालात ही ऐसे हैं कि लोग बेरोजगार हैं बीमारी में हैं आइसोलेशन में हैं हॉस्पिटल्स में हैं और बाकी के जो नहीं हैं वो वैसे ही बहुत सारे लोग खौफजदा हैं कि हमें कोरोना ही ना हो जाए हमें हमें पता नहीं क्या होगा दुनिया का हम कहीं छुट्टियों पर नहीं जा पा रहे हैं हमने तो बड़ी तैयारी की हुई थी कि इस साल हम जरूर कहीं ना कहीं ज़रूर बाहर के कि किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाएंगे और इस किस्म के बहुत से टेंशन साइकोलॉजिकली फिजिकली बेचैनी चैन नहीं एक जगह पर बैठ नहीं सकते हैं छुट्टियां हैं तो घर में गुजारा नहीं है इसलिए कि सुकून नहीं है मेरे जीजो जरूरी है कि हम इकरार करें और उसके उसमें मर्ज होने के जितने भी स्टेप आज हमने देखे हैं वो उस पर अमल करें और उसके अंदर मर्ज होकर सेटिसफाइड हों और मेरे चीजों आज मुख्तर तौर पर हमने जितनी भी बातें देखी ये हमेशा की जिंदगी है और, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें जो पाक कलाम के अंदर लिखी हुई हैं आज तो हमने मुख्तसर तौर पर देखा वो सब हमें खुदामंद के अंदर मर्ज करने में मदद देती हैं उसके अंदर रहने में मदद देती हैं और खुदामंद की बातें खुदामंद के वादे और खुदामंद की ग्रेस हमें सेटिस्फाई करती है और आज खुदामंद के इस पाकलाम के वसीले से खुदामंद मुझे और आप सबको बरकत दे आमीन 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 थैंक यू मिस्टर आदो इस ब्लेस्ड एंड ब्यूटीफुल मैसेज के लिए थैंक यू वेरी मच